हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में चट्टानों की गरज और पहाड़ों के टूटने में मौत का शोर और तेज होता जा रहा है। एक दिन पहले चट्टानों की चपेट में आकर कई गाड़ियां मलबे में समा गई और मरने वालों का आंकड़ा आज सुबह तक 13 तक पहुंच गया। कुछ लोग अभी भी मलबे में फंसे हो सकते हैं और उन्हें निकालने का काम लगातार जारी है। खाई काफी गहरी है और बचाव ऑपरेशन बेहद मुश्किल। बस को बच गया, ओ पत्थर और देखो। चट्टाने ऐसे चकनाचूर हुई कि देखने वाले दहशत से भर गए। ओ देखो अभी और कट नहीं रहा है ये, है ना? पहाड़ ऐसे ढहा जैसे ढहता है कोई रेत का टीला। धरती ऐसी सरकी कि जमींदोज हो गए पहाड़। तो कुदरत ने एक बार फिर अपना क्रोध दिखाया है, ऐसा क्रोध जिसके जद में 40 से ज्यादा जिंदगियां आ गई। ये पूरा इलाका 50 से 60 डिग्री का स्लोप है नीचे नदी की तरफ। बिल्कुल साफ मौसम था, ऐसी कोई अंदेशा नहीं था। और 6 से 7 गाड़ियां जो मूव कर रही थी, अचानक ही लगभग 200 मीटर का एक क्षेत्र था जो सड़क के साथ, वहां पर ये पत्थर गिरने लगे। किसे मालूम था कि एकाएक धरती डोलेगी और पहाड़ यूं ढहेगा? किसे मालूम था कि पहाड़ यूं ढहेगा और गिर पड़ेगा उस बस पर जिसमें 40 यात्री सवार होंगे? यात्रियों को भी कहां मालूम था कि अपने अपने सफर पर निकले यात्रियों के लिए ये सफर इतना बड़ा और इतना गहरा और दर्दनाक जख्म देने वाला होगा। एक बस थी जो 32 सीटर थी शायद, और साथ ही साथ एक ट्रक और चार गाड़ियां और 6 गाड़ियां और लगभग 40 से 60 के बीच लोग थे। चट्टानों के टूटने के बाद की तस्वीरें बहुत भयानक हैं, रूह को कपा देने वाली हैं। किन्नौर कुदरत के कहर का दूसरा नाम बनता जा रहा है। 11 अगस्त की दोपहर से ठीक पहले करीब 11:56 पर पहाड़ दरका और हाहाकार मच गया। वो देखो, पत्थर, मिट्टी और मलबा अंधाधुंध ऐसे गिरा कि उसने कई जिंदगियों को अपनी चपेट में ले लिया। यात्रियों से भरी बस मलबे में दब गई, साथ ही 2 कारों पर भी कुदरत की भयानक मार पड़ी। यहाँ से जो किन्नौर की तरफ जो साइड में जो नुकसान हुआ है, यहाँ से विजिबल नहीं है और उधर से इस साइड में विजिबल नहीं है। ये स्ट्रेच कम से 80 मीटर के लगभग का, और रेस्क्यू टीम CRF NDRF ITBP सारे यहाँ पहुँच चुके हैं। हिमाचल रोडवेज की ये बस किन्नौर के मूरंग से हरिद्वार जा रही थी। इससे पहले कि वो यहाँ से गुजरती, पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भर भरा कर गिरा। मूरंग से हरिद्वार जाती है, उसमें बैठा और वो ज्यूरी नहीं पहुंचा, और यहीं पे अभी 2 किलोमीटर के पास हादसा हुआ है, कोई कुछ पता नहीं लग रहा है। तस्वीरें भयावह हैं और इसका अंजाम उससे भी ज्यादा खौफनाक। हम ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं कि अगर वो बस मिल जाती है, बिकॉज बस का ट्रेस फिजिकली नहीं मिल पाया है। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि शायद वो बस नीचे गिर गई है खाई। ये बस यात्रियों से पूरी तरह भरी हुई थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 40 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। यहाँ की तस्वीरें बता भी रही हैं कि कितनी भारी तबाही मची है। हादसे की खबर मिलते ही बचाव दल को मौके के लिए रवाना किया गया। NDRF की टीम भी मदद के लिए निकली। दरअसल सरकार ने NDRF और SDRF को पहले ही अलर्ट पर रखा था। जानकारी के मुताबिक 200 से ज्यादा जवान राहत बचाव के काम में लगे हुए हैं। जो बेस्ट पॉसिबल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहां पर किया जा सकता है वो किया जाए। पुलिस के अधिकारियों को, स्थानीय प्रशासन को ये आदेश दे दिए गए हैं ताकि वो तुरंत जो है वो कार्रवाई। NDRF की टीम को भी अलर्ट पर रख दिया गया है। ये नेशनल हाईवे नंबर 5 है और ये इलाका चील जंगल के तौर पर जाना जाता है। इस भूस्खलन से रास्ता बंद हो गया है। स्थानीय स्तर पर शुरू किए गए बचाव में बस के ड्राइवर समेत 2 लोगों को बाहर निकाल दिया गया, लेकिन कई लोग अब भी दबे बताए गए हैं। किन्नौर और सिरमौर दोनों ही इलाकों में पहाड़ों के दरकने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि किन्नौर के इलाके में पहाड़ जब दरकते हैं तब मिट्टी और मलबा नहीं, बड़ी बड़ी चट्टाने गिरती हैं। यही वजह है कि पहाड़ के खिसकने से यहां जबरदस्त
कहर बरपता है। बस अब सब प्रार्थना कर रहे हैं कि मलबे में दबे यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया जाए, किसी भी तरह की जनहानि न हो। चंडीगढ़ में सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।